अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। काफी टाइम के बाद भाई YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड हो रहा है, क्योंकि जब से रैंक सीजन आया है हम लोगों ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा। कोई बात नहीं, और यहाँ पे रैंक की बात करें तो तकरीबन हम लोगों ने इलाइट हीरोइक कर लिया है, 3 स्टार कर लिए हीरोइक के। और यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं अपना केडी दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 5 से ऊपर का है, और काफी सारे तगड़े प्लेयर्स को मारा है। लेकिन अभी का जो गेम खेला है उसमें रीजन के टॉप प्लेयर्स आए हुए थे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग केडी चेक कर लो, ऑलमोस्ट 5 से ऊपर की है, जो कि शुरू में बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आपके पास स्क्वाड अच्छा ना हो तो आपका केडी कम होता है। लेकिन जैसे सीजन लेट होता है, नो लॉबी थोड़ी सी कम हल्की आती है, बोट आते हैं, तो आपका जो केडी है ना वो काफी अच्छा हो जाता है। बाकी यहाँ पे आज मैं बात करूँ लीडर बोर्ड के, तो रीजन के टॉप प्लेयर जिनमें टॉप 8 नंबर पे बैठा है एक, और इसके बाद टॉप 11 नंबर के ऊपर बैठा है, तो ये प्लेयर्स अपने गेम के अंदर आए हुए थे। तो गेम एंड लेवल ग्रे, शुरू में नेट नहीं था अपना, बट जैसे नेट आया तो भाई 1-handedly मारा है सबको। तो वीडियो एंड तक देखना है, मजा आएगा। ओके गाइस, इस गेम के अंदर अपना जो नेट है ना वो काफी टाइम के बाद आया, बट लास्ट जोन में 35 से 40 बंदे अलाइव थे, तो हमारे किल्स निकालना यहाँ पे भी पॉसिबल थे। मुझे लग रहा था कि किल्स हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी लॉबी आई हुई है तो बंदे मरेंगे नहीं। बोल्ड लॉबी में ये होता है कि बंदे शुरू में मर जाते हैं, एंड में आपको किल भी नहीं मिलते। यहाँ पे एक बंदा जिसने ग्लू होल डाली, एक और बंदा जब एक गाड़ी लेके जोन में जा रहा है। और टीममेट्स की बात करें तो 2 टीममेट्स यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, तो खुशी बचे हुए हैं। एफटी लीडर ने मारे हैं भाई, एफटी लीडर काफी तगड़े। ओके, अब्दुल्ला बीटू के काफी अच्छे हेडशॉट। इन प्लेयर्स के नाम मुझे नहीं पता, अगर इनमें से कोई टिकटॉकर है, कोई रीजन प्लेयर है, तो नीचे आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन कर सकते हो। बाकी मैं बात कर रहा था एफटी लीडर की, भाई एफटी लीडर अगेन काफी तगड़े ना सिर्फ प्लेयर है, बाकी हर सीजन उन्होंने रीजन भी पुश करा होगा। इस सीजन भी शायद उन्होंने पुश करा होगा, लेकिन उनका आईडी शायद ब्लॉग लिस्ट है तो शो नहीं हो रहा। ओके, एक और स्क्वाड गाइस यहां पे आया था, जिनका एक प्लेयर हम लोगों ने नॉक एंड फिनिश। ओ हो भाई, चेक कर रहे हो, यहाँ पे मेडिकेट नहीं थी टोटल। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मेडिकेट बिल्कुल जीरो थी। इनहेलर थे 3 से 4, जो कि सुपर भी थे और नॉर्मल वाले दोनों किस्म के अपने पास इनहेलर थे, तो वो इनहेलर हम लोगों ने ना सिर्फ लगाए, इन बंदों को डैमेज दे के जोन में पहुंचना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था, वो हम लोगों ने कराए। भाई यहां से 0 मेडिकेट के साथ बुइया लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, भाई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे चेक करो, जोन में बंदे देने जाने नहीं दे रहे ना अपने को। ओए बिल्कुल, यहाँ पे 30 से 40 HP। अगर मैं बात करूं तो हम लोग बचे हैं, क्योंकि 1-2 गोली और लगनी थी, वेस्ट है हमारे पास। सबसे बड़ी बात यह है, तो यहाँ से भाई बहुत मुश्किल से ना सिर्फ हम लोगों ने सरवाइव करा है, और ऊपर बंदे चेक कर सकते हो 20 ही रह गए हैं। और एफटी लीडर के तो खेल आप लोग देख सकते हो कि कितने ज्यादा इस गेम में आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितनी ग्लू होल थी भाई सारी लगा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर हम लोग ये जगह सर्वाइव कर लेते हैं तो अपने चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी तक खुशी हैं तो उनके पास टोकन थे, मुझे इस जगह पे लग रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही मरे हैं तो 2 किल थे अपने पास। यहाँ से माइनस भाई कंफर्म था, क्योंकि टॉप लॉबी में अगर आप टॉप 10 नहीं करते तो आपका माइनस ही होता है। ओके गाइस, यहाँ पे एक बंदा रश के लिए आया गाड़ी लेके, वो भी काफी अच्छा बॉडी स्प्रे लगाए, बट मस्ती कर रहा था ये बंदा। गया भाई, बहुत अच्छा हेडशॉट, और इसका नाम तो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर सका, पता नहीं क्या लिखा हुआ था इसने, अजीबो करीब। तो यहाँ पे 3 किल भाई फाइनली हम लोगों की हो चुकी है, 14 बंदे बात करी जाए तो अलाइव है। इस साइड के ऊपर एक और बंदा है, और पीछे की साइड भी ऊपर बंदे हैं। आशीर यहाँ पे जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, रीजन प्लेयर आए हैं, तो उनका किल किसी और ने या जोन में एलिमिनेट हो गया भाई। और यहाँ पे इस गेम में आप लोग देखोगे कि सर्वाइवर भाई किस तरीके से लास्ट जोन के अंदर है, जहाँ पे भाई बचना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे जाके सुपर मेडिकल से रिवाइव करके आते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा था भाई पहुंचेगा नहीं, पहले मर जाएगा, बट एंड पे उसने कर है, वो सीन मिस नहीं करना। ओके, जाफरी यहाँ पे गाइस नॉक है, एक ऊपर की बंदा, दोनों नॉक हो गए भाई। ओहो, जिसका किल हम लोग चाह रहे थे उसका तो नहीं मिला, बट वैनम का मिला है। अगेन गाइस, वैनम भी रीजन टॉप 1 पे रहे हैं, इससे पिछले सीजन की अगर बात करें तो बहुत हार्ड अगेन लॉबी थी। अभी भी 11 बंदे अलाइव हैं, और इस गेम का अगर थोड़ा सा क्रेडिट की बात करें तो मैं देना चाहूंगा नंबर 2 को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा गाइड कराया है इस गेम के अंदर कि इसको इस तरीके से लेके चलो, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे गेम लॉन्च हुआ था तो उस टाइम से ये बंदा गेम खेल रहा है, अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज, क्योंकि इतना इसने ही मुझे बताया है।
और तो कुछ बात है नहीं कि ये नहीं कि मैं अपने मन या धड़ल्ले से कुछ भी बोलता रहता हूँ किसी की तारीफ करने के लिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। उनका जो एक्चुअल लॉ अवेयर्स एफ एफ यहाँ पे नॉक है, एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 7 ईयर, यानी 7 साल का है, जब से गेम लॉन्च हुआ है तब से गेम खेल रहे हैं। लेकिन अपने को भाई अभी इतना अर्सा नहीं हुआ सैफ खेल के, अवेयर्स एफ एफ का यहाँ पे खेल कन्फर्म हो चुका है, अपना तो तकरीबन अभी 2 या 3 मंथ ही होंगे जब से हमारे साथ खेल रहा है नंबर 2। 7 बंदे गाइस रह गए और लास्ट जोन है, और ये बाइक वाला सर्वाइवर है भाई, इसको चेक करना कि एंड जोन में ये बंदा करता क्या है। ओके साइड पे अभी भी बहुत सारे बंदे हैं गाइस, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट करके बिल नोटिफिकेशन भी ऑल पे कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना है। ओहो गाइस फाइनली उस बंदे को नॉक करे रीजन प्लेयर का, जिसके हम लोगों ने बात करी थी शुरू में कि रीजन प्लेयर्स आए हुए हैं इस गेम के अंदर। ओके उसका किल कंफर्म हो चुका है और बाइक वाला आप लोग देख सकते हो, एक और बंदा जो कि फुल डैमेज है, क्या जाफरी यहाँ पे अगेन नॉक है और बाइक वाला भाई जोन में चला गया रिवाइव करने। अभी 5 बंदे हैं, 4 रह गए हैं और अब देखो 6 हो चुके हैं, यानी कि ऊपर से हवा में आ रहे हैं रिवाइव होके। इस बंदे पे एम नहीं जा रहा था तो मैंने कहा हवा में देखते हैं, यहाँ पे बंदे आ रहे तो उनको डैमेज देते हैं। यहाँ पे डैमेज दिया था बट नॉक नहीं हो पाया भाई इनमें से कोई भी। 8 किल भाई गाइस हम लोगों ने निकाल लिए हार्ड रीजन टॉप लॉबी में। इस बंदे को काफी अच्छा हेडशॉट, रश करते हैं भाई इसके ऊपर। राइट वाले ने नाम मारा तो ग्रेनेड से ही इसको हुक करके मारेंगे। चलो गया भाई गुरु, यहाँ पे गया है गुरु को, ग्रेनेड से काफी अच्छा डैमेज पड़ा है। ओहो रीजन टॉप प्लेयर गाइस अगेन यहाँ पे नॉक है, अगर उनका किल मिलता है तो 10वां किल भाई यहाँ पे कंफर्म हो जाना है। एक बंदा नीचे पेड़ की साइड है आराम से बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों को बुइया चाहिए था, कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि काफी टाइम होता ये है कि जब आप लास्ट जोन में किल निकालो तो उतावले हो जाते हो, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। और यहाँ पे मानो ने मेरा किल चोरी करा था तो इस बात का अलहदा गुस्सा आ रहा था इस पे कि मानो को तो भाई मारेंगे, और मानो राइट पे था, मुझे बाद में ही भाई पता चला नीचे की साइड एक बंदा है। तो जो कुछ भी था गाइस हुक करके मैंने फेंक दिया, और ये ग्रेनेड चेक करो भाई, हुक करके फेंका है खुद पे ही लगा दिया है। 3 बंदे गाइस टोटल रह गए, 9 किल यहाँ पे डन है। और अगर बात करें तो सामने की साइड उसने बंदा मार दिया है, 1 रह गया, 1v1 गाइस लास्ट जोन। लाइक कर दो भाई उससे पहले, अगर लाइक नहीं करा तो। मुझे लग रहा था ये प्लेयर काफ़ी अच्छा है तो लॉन्ग रेंज में जितना इसको निपटा लिया जाए अपने लिए फायदेमंद रहेगा, बट एट द एंड मुझे रेस के ऊपर रश करना ही पड़ा है। अच्छा छोड़, हेलमेट बहुत अच्छा था इसके पास। चलो गया हन्नो, इसको कंफर्म करते 10 किल भी डन हो चुकी है और इसके पास बहुत अच्छा हेलमेट था। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।